नेक्स्ट वन जावा ने स्पेशली आपको न्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया है बुलियन। बुलियन के थ्रू ओनली बुलियन टाइप के रिजल्ट रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है जिनके रिजल्ट्स या तो ट्रू के फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं या फिर फॉल्स। फॉर एग्जांपल कंडीशंस की बात करें तो किसी भी कंडीशन के रिस्पेक्ट में कंडीशन के प्लेसेस पर हमेशा रिजल्ट्स किस फॉर्म में एक्सपेक्ट होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। सी लैंग्वेज में आपने देखा था, सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू किससे रिप्रेजेंट हुआ था, एनी नॉन जीरो नंबर। फॉल्स रिप्रेजेंट हुआ था ओनली बाय यूजिंग जीरो, मींस जीरो मींस फॉल्स, नॉन जीरो मींस ट्रू। लेकिन जावा के केस में अगर कहीं भी किसी भी प्लेस पर आपको कंडीशन रिक्वायर्ड है, कंडीशन के प्लेस पर जावा में कभी भी डायरेक्टली इंटीजर नंबर यूज करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंडीशन के प्लेसेस पर जब भी इंटीजर नंबर अप्लाई करो, इस केस में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। एरर का टाइप क्या रहेगा, इनकॉम्पटिबल टाइप वैल्यू किस टाइप का फाउंड हो रहा है इस प्लेस पर, इंटीजर मीन्स फाउंड इंट। एक्सपेक्ट किस टाइप का है, बुलियन, रिक्वायर्ड बुलियन। क्लियर, सेम है, सेम केस रेज होगा इन केस ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, सेम है इन केस ऑफ व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप्स। नेक्स्ट थिंग्स, बुलियन के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रीडिफाइंड इसका साइज अवेलेबल नहीं, साइज प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल और वी कैन से कंप्लीटली जेवीएम इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। प्लस बुलियन के केस में साइज प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं, सिमिलर वे में इसका कोई भी रेंज नहीं हुआ, इसके लिए अलाउड वैल्यूज क्या होंगे, ओनली टू, आइदर ट्रू। किसी भी बुलियन वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू असाइन करना पॉसिबल है या फिर फॉल्स, इसके अलावा कोई भी अदर रिजल्ट असाइन करना पॉसिबल नहीं। सिंपल डिक्लेरेशन रहेगा, बुलियन पॉसिबल है। जस्ट का बुलियन को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या, रिप्रेजेंटिंग बुलियन रिजल्ट। और जब भी अगर आप कहीं भी किसी भी एक्सप्रेस में रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, रिलेशनल और रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिजल्ट ऑलवेज जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ बुलियन टाइप्स। दिस इज द पर्पज ऑफ बुलियंस। नेक्स्ट केस में मीन्स इससे रिलेटेड मैं कई सारे एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूंगा, जस्ट नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा अबाउट कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में काफी डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि कैरेक्टर्स के केस में जावा में कई सारी न्यू प्रॉपर्टी है। न्यू प्रॉपर्टी में सबसे पहले इनिशियली बात करें, सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के केस में कैरेक्टर का साइज क्या था, ओनली वन बाइट, लेकिन जावा के केस में साइज क्या, टू बाइट। अब क्वेश्चन ये कि जावा में अगर कैरेक्टर का साइज टू बाइट दिया था, इसका मेन पर्पज क्या था, काफी डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे।